दोस्तों राजवंश सिंह माली आपका होस्ट, आपका दोस्त और आपका सहयोगी। दोस्तों आज मैं कोई दिल की बात आपके साथ करना चाहता हूँ। दिल की बात क्या है कि पिछले दिन गुरु नानक जयंती थी, मैं गुरुद्वारे नहीं गया। मतलब मान लेता हूँ मैं कि मैं नहीं गया, बहाना नहीं, क्योंकि मैं खुद ही अपनी वीडियो में कहता हूँ कि जिस आदमी ने कोई काम करना हो उसके लिए एक कारण होना चाहिए और जिसने नहीं करना उसके पास 100 बहाने होते हैं। तो मैं नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि मेरे को कुछ ऐसे लग रहा है कि मैं जब गुरुद्वारे जाता हूँ तो जब गुरुद्वारे में एंटर हुआ वहाँ पर 10 गुरुओं की, सिख गुरुओं की जागत जोत, जिसको हम गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं, वो हमें मिलते हैं वहाँ पर। जागत जोत का मतलब उनको हम जीवित गुरु मानते हैं। मतलब हमारे लिए वो दसे गुरुओं की जगह पे हमारे जो गुरु ग्रंथ साहब जी हैं उसको हमारे लिए जीवित गुरु हैं। जैसे जीवित गुरु आपको रास्ता दिखाते हैं उसी तरीके से ये गुरु ग्रंथ साहब हमें रास्ता दिखाते हैं। प्रॉब्लम क्या आ रही है, मैं ना तो नास्तिक बन सका हूँ और ना ही आस्तिक बन पा रहा हूँ। नास्तिक बनने का कारण क्या है कि जब मैं गुरुद्वारे जाता हूँ तो गुरुद्वारे जाते वक्त मेरे को, मैं जब गुरु ग्रंथ साहब के सामने गया तो वहां पर मैं गुरु ग्रंथ साहब के साथ आंख मिला के बात ही नहीं कर पाता। कारण ये है कि गुरु नानक देव की बाणी, दूसरे गुरुओं की बाणी उसमें दर्ज है, कितने भक्तों की बाणी उसमें दर्ज है और बाणी में क्या लिखा है और हम क्या कर रहे हैं। मेरे को तो कहीं कभी कभी ये लगता है कि हम ढोंग ही कर रहे हैं। गुरु नानक ने अपनी बाणी में लिखा है कि हक पराया नानका उस सुअर उस गाय, कि हमने हमें किसी का हक नहीं खाना चाहिए। वो मुसलमान के लिए गाय सूर के बराबर है और हिंदू के लिए गाय के बराबर है। तो लेकिन हम कहाँ इससे कहाँ पीछे हट रहे हैं। एक्स के हम बारक, हमारी गुरबाणी में लिखा हुआ है, एक्स के हम बारक का मतलब हम सब बराबर हैं। दोस्तों मैं तो नहीं इस बात को नहीं मान सकता कि हम सब बराबर हैं। आप जाके देखो कितना भेदभाव हम करते हैं, बहुत ज़्यादा भेदभाव कर रहे हैं। और भेदभाव करते हुए हमें, मतलब गुरु की वाणी को तो मान ही नहीं रहे। मैं गुरु नानक साहब से क्यों नहीं आंख मिला पा रहा, क्योंकि मैं गुरु नानक साहब की वाणी को मान ही नहीं रहा। गुरु नानक साहब की वाणी को ना मानने का मतलब है आप नास्तिक हो। गुरु नानक साहब की वाणी का को पढ़ने का, समझने का, उसको जिंदगी में उतारने का मतलब है गुरु नानक जैसे बनना। लेकिन हम गुरु नानक जैसे नहीं बन पा रहे। मैं अपनी बात लेता हूँ तो सिंपल बात यह है, गुरु नानक साहब ने आगे लिखा है, नीचा अंदर नीच जात, नीची हूँ अति नीच। मतलब अपने आप को बहुत ज़्यादा उन्होंने नीचा दिखाया। मतलब मैं भी बहुत ऊपर नहीं हूँ। तो हमारे यहाँ पर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सरदार अवतार सिंह मक्कड़, वो अपने साथ मक्कड़ लगाते हैं। अपनी जात को दिखाना चाहते हैं कि मैं ये जात का हूँ। उच्ची जात का मान अहंकार जो है उनके अंदर आ रहा है। कोई संधु लिख रहा है, कोई बराड़ लिख रहा है, कोई सिद्धू लिख रहा है, कोई कुछ अग्रवाल लिख रहा है, कोई अरोड़ा लिख रहा है। क्या नॉनसेंस है यार। गुरु साहब कह रहे हैं नीची अंदर नीच जात, नीची होती नीच। हम अपने आप को बहुत बड़े साबित करने की कोशिश करें, बड़ा बनने की कोशिश कर रहे हैं। सो दोस्तों गुरु से हमारा कोई, मेरा ख्याल है, लेना देना है नहीं। जहाँ गुरु ग्रंथ साहब है हमें गुरु ग्रंथ साहब को मिलना है। लेकिन मैं मोहाली में और गांव में जाता हूँ जहाँ गुरु रविदास मंदिर या गुरुद्वारा जिसको बोलते हैं, तो उसमें लोग मत्था टेकने नहीं जाते, दूसरे गुरुद्वारे में जाएंगे जो जनरल कास्ट का गुरुद्वारा है। भाई गुरु ग्रंथ साहब तो वहाँ भी ऐसी वही है जो दूसरी उसमें है। मतलब हम लोग इतने ढोंगी हो चुके हैं कि हम जो अपने वेशभूषा है हमारी, हम जो जैसे कपड़े डालते हैं उसी को देख के ही हम धार्मिक होने का नाटक कर रहे हैं। ये सच्चाई नहीं है, क्योंकि धार्मिक होने का मतलब है सही इंसान बनना। जैसे गुरु नानक साहब हमें शिक्षा दे के गए हैं कि किसी का हक नहीं खाना, किसी को नीचा नहीं समझना, किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करनी, गरीब का मुंह गुरु की गोलक कहा है उन्होंने। तो गरीब का मुंह है जो गुरु की गोलक कैसे हो सकती है। आप अपने आसपास में नज़र लगा लो, जो आदमी आपके पास आसपास गरीब है तो हम उनका कितना ज़्यादा शोषण कर रहे हैं।
फाइनेंशियली भी, मेंटली भी, और मतलब सोशली भी कर रहे हैं। नीची जात, ऊंची जात, ये धर्म वो धर्म, ये पता नहीं क्या क्या करके उनका वो करते हैं। मतलब हम गुरु नानक साहब को तो बिल्कुल नहीं मान रहे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सिर्फ मूर्ति को मत्था टेकने वाले हो गए हैं, गुरु नानक साहब की तस्वीर को मत्था टेकने वाले हो गए हैं, गुरु नानक को मत्था नहीं टेक रहे, गुरु नानक की बाणी को मत्था नहीं टेक रहे, गुरु नानक की बाणी को अपने अंदर नहीं ले पा रहे, तो फिर मैं तो इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि मैं आस्तिक नहीं हूँ, तो मैं तो नास्तिक ही अपने आप को कहूँगा। यदि आप ये कर पा रहे हो तो ठीक है, यदि आप भी मेरे तरीके से मेरे तरह इस बात को लेके परेशान हो तो यार सोचना जरूर बनता है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, पवन गुरु पाणी पिता माता धरत मत, जो गुरु नानक साहब ने कहा है, तो हमने कितना उसको प्लीत कर दिया है, कितना पोल्यूटेड कर दिया उसको। पवन गुरु पाणी पिता, मतलब पवन को गुरु गुरु का रूप दिया है, पानी को पिता का रूप दिया है, हमने उसमें कितना जहर घोल दिया, हवाओं में जहर घोल दिया, चाहे दिवाली के पटाखे हों, गुरुपुर्ब के पटाखे हों, ब्याह शादी पर पटाखे हों, पराली का धुआं हो, जो भी है, जिस तरीके से हमने जो गुरु नानक साहब बोल के गए हैं पवन गुरु पानी पिता, उसको भी हमने पोल्यूट कर दिया है, पोल्यूटेड बना दिया है। सो मेरे को कोई कारण लगता नहीं कि मैं अपने आप को आस्तिक कह पाऊँ। बाकी यदि आप मेरे से ज़्यादा समझदार हो सकता है, आप में कितने ज़्यादा आदमी जो देखेंगे इस वीडियो को मेरे से ज़्यादा समझदार होंगे और उनको ज़्यादा सच्चाई का पता होगा, तो यदि आप मेरे को इस दुविधा से निकाल दो तो मैं आपका हार्दिक आभारी होऊंगा। दोस्तों मैंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ठीक अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं हम, कोई बात नहीं, और काफ़ी अच्छा स्टेटस है, किताबें लिखी हुई हैं मैंने और कई कुछ मतलब अचीवमेंट कई करी हैं, तो मैं भी इस जगह पे आके फेल समझता हूँ अपने आप को। तो आपसे इसीलिए मेरी गुजारिश है कि यदि आप इस झंझट से मेरे को निकाल पाओ तो मैं आपका हार्दिक आभारी होगा। मैंने मेरे फेसबुक पे जितने बढ़िया से बढ़िया दोस्त हैं मेरे, जिनको मैं बहुत एजुकेटेड मानता हूँ, मैं उनके पर्सनल नंबर ले के भी फ़ोन कर चुका हूँ कि मैं इस दुविधा में चल रहा हूँ, मेरे को इस दुविधा से निकालो, लेकिन मेरे को उसका फ़ायदा नहीं होगा। अभी ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही है कि ये मेरी वीडियो जितने लोगों के पास, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाएगी, शायद मेरे को मेरी जो समस्या है, मेरी जो दिक्कत है, मेरी जो परेशानी है, उसका हल मेरे को मिल जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतने, आप अपना ध्यान रखें, कोई मेरे को मेरा कोई राह कोई मार्गदर्शक बन सके तो मैं आई शैल बी हाईली ग्रेटफुल टू हिम। मिलता हूँ जल्दी, आपका दोस्त राजवंत सिंह महाली।